हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोग आरसीसी पढ़ रहे हैं और आरसीसी में बेसिकली जो हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ठीक है, ओके। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, आपको जो पसंद भी आ रहा होगा, जो आप देख रहे होंगे। ठीक है, जितना भी पिछले वीडियो हमने बनाया था सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर ही आधारित है, उसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, तब जाकर समझ में आएगा पीछे क्या कवर हुआ है, क्या छूटा हुआ है। ठीक है, क्लियर। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, लिमिटेशन मेथड का ही कुछ पोर्शन है आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आपका, और अंडर लिमिट स्टेट, अंडर अंडर लिमिट स्टेट मेथड लिमिट स्टेट मेथड द वैल्यू ऑफ पार्सली द वैल्यू ऑफ पार्सली पार्शियल सेफ्टी फैक्टर पर स्टील इज। ठीक है, क्वेश्चन यह है सबका कि सीमा स्थिति विधि के अंतर्गत, ठीक है, सीमा विधि स्थिति के अंतर्गत इस्पात के लिए आंशिक सुरक्षा गुणांक होगा। ठीक है, आंशिक सुरक्षा गुणांक होगा, उसको मैं रफ कर रहा हूँ। आंशिक सुरक्षा गुणांक पूछ रहा है कितना होगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसको मैं हिंदी में भी लिख दूंगा एक बार। क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ एक बार। सीमा स्थिति विधि के अंतर्गत सीमा स्थिति विधि के विधि के अंतर्गत विधि के अंतर्गत अंतर्गत इस्पात के लिए इस्पात के लिए आंशिक सुरक्षा गुणांक होगा, आंशिक सुरक्षा गुणांक होगा गुणांक होगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको। ऑप्शन ए है 1.8, 1.8। ऑप्शन बी जो है आपका 1.6। ठीक है, ऑप्शन तीसरा आपका है आपका 1.15। चौथा ऑप्शन है आपका 1.5। ठीक है, 1.5। चलिए बताइए, क्लियर। जब हम लोग लिमिट स्टेट में पढ़ते हैं, ठीक है, इसकी जो आपका वैल्यू होता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वैल्यू चेंज हो जाती है। जब हम लोग वर्किंग स्टेट में पढ़ते हैं तो वहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाती है, क्योंकि लिमिट स्टेट में पूछा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपका स्टील के लिए पूछा हुआ है तो आपका वैल्यू 1.15 होगा, 1.15। ठीक है, क्लियर। अगर यही आपका कंक्रीट का पूछता है तो 1.5। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए एक बार फिर से, मैं लिख दे रहा हूँ आपको, इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए, जब बात होती है वर्किंग स्ट्रेस में, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस,
यहाँ पर जो आपका ट्रस्ट सेफ्टी लिया जाता है, ठीक है, कंक्रीट के लिए लिया जाता है 3, तीन, और स्टील के लिए लिया जाता है 1.78, ठीक है, 1.7। जब हम बात करते हैं वर्किंग स्ट्रेस पर, लेकिन अगर बात करते हैं, अगर हम बात करें लिमिट स्टेट मेथड की, LSM की बात करें, ठीक है, तो उस केस में कंक्रीट का जो पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो होता है 1.5, क्या होता है 1.5 होता है, ठीक है। अगर हम बात करें स्टील का, तो 1.15, ठीक है, 1.15, क्लियर है। चलो इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे कि जो आपका ऑप्शन था वहाँ पे, चूँकि आपका लिमिट स्टेट में पूछ रहा था, तो इस केस में आपका जो स्टील की वैल्यू हो जाएगी फैक्टर ऑफ पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको 1.15, अगर वही कंक्रीट पूछता तो आपका हो जाता 1.5, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन है आपका दूसरा, बोल रहा है एज पर आईएस 456 2000 इन लिमिट स्टेट मेथड, इन लिमिट स्टेट LSM लिख देते हैं ना, समझ जाना आप लोग, ठीक है, इन LSM सेम ऑफ डिजाइन मैक्सिमम स्ट्रेन इन ग्रेट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इन बेंडिंग इज टेकन एज, ठीक है, बेंडिंग इज टेकन एज, मतलब इसका क्वेश्चन का जो हिंदी बन रहा होता है इसको ध्यान सुनिए कि IS code 456 2000, ठीक है, के अनुसार डिजाइन की सीमा अवस्था विधि में, ठीक है, डिजाइन के सीमा अवस्था विधि में बंकन में, ठीक है, बेंडिंग में बाह्यतम संपीड़न फाइबर पर, आउटर मोस्ट जिसको बोलते हैं कंप्रेशन फाइबर में, पर कंक्रीट में अधिकतम विकृति ले जाती है, कंक्रीट में अधिकतम विकृति ले जाती है। जब बात बेंडिंग की पूछ रहा है, ध्यान सुनना, ठीक है, क्या हो रहा है, बेंडिंग से पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं जब बात इस तरह की आती है, ठीक है, जब बात इस तरह की आती है, तो आपको मैंने बताया भी था, आप कर्व भी बनाया था कुछ इस तरह, आपको ध्यान से देखिए, हमने कुछ ऐसा कर्व भी बनाया था, ठीक है, जो कि आपका विकृति और प्रतिबल में था रिलेशनशिप, ठीक है, कंक्रीट के लिए हम उन्होंने क्या कहते हैं बनाए थे इसको, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है,
और इसको हम लोग बनते थे यहाँ पे पॉइंट, और ये यहाँ पे, चूँकि एक्चुअली ये पूरा ऐसे होता था, यहाँ पैराबोलिक होता था और ये यहाँ पैराबोलिक, यहाँ पैराबोलिक। तो इस केस में यहाँ पे वैल्यू आती थी आपका 0.002 आता था, और ये जो आउटर सबसे लास्ट, इस क्वेश्चन के बाद से मैं मान लेता हूँ कंप्लीट फेल, ठीक है, 0.0035 ये आपका आउटर मोस्ट, जो आपका आउटर मोस्ट कह सकते हो कंप्रेशन फाइबर का जो बिल्डिंग में मैक्सिमम स्ट्रेन होता है, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेन होता है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे ये वैल्यू होती है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा तो आप पहचान सकते हो और आंसर से, क्योंकि फिगर ऑलरेडी आपके दिमाग में बैठ चुका होगा जब क्लास चल रहा था। तो ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 0.0020, ठीक है, ऑप्शन बी दिया है आपका 0.0025, ऑप्शन सी दिया हुआ है आपका 0.0030, और ऑप्शन डी दिया हुआ आपका 0.0035, ठीक है, 0035, क्लियर है। चलो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है मतलब स्पष्ट तौर पे कि जो आपका करेक्ट आंसर होगा, अभी जस्ट सर्चा हुआ फिगर के माध्यम से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0.0035, ठीक है, क्लियर। चलिए यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है, चलिए इसको मैं रफ करता हूँ। तो आप सब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके लिए, पार्सली फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर किसके लिए, कंक्रीट के लिए, ठीक है, कंक्रीट के लिए इन लिमिटेशन में था, इन लिमिटेशन ऑप्शन ए है आपका 1.75, ऑप्शन बी है आपका 1.5, ऑप्शन सी है आपका 1.15, और ऑप्शन डी दिया हुआ आपका 2.25, और अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया है 1.15 हो जाएगा, ठीक है, अगर स्टील के लिए कहा था तो 1.5, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिमिट स्ट्रेट डिजाइन, इन लिमिट स्ट्रेट, इन लिमिट स्ट्रेट डिजाइन डिजाइन ऑफ आरसीसी, ठीक है, द स्ट्रेन इन टेंशन, द स्ट्रेन इन टेंशन टेंशन रेनफोर्समेंट शुड नॉट एक्सीड, रेनफोर्समेंट शुड नॉट एक्सीड, ठीक है, should not exceed in limit state design of RC, the strain in tension reinforcement should not exceed, यानी कि प्रबलित कंक्रीट के सीमा अवस्था विकल्पन में तनाव प्रबलन में विकृति निम्नलिखित में से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, निम्नलिखित से अधिक नहीं होना चाहिए, ऑप्शन में दे रहा हूँ आपको, ऑप्शन दे रहा हूँ
ये दिया हुआ है 0.87 FY अपॉन ES, ठीक है। ऑप्शन बी दिया है 0.002, ठीक है। ऑप्शन सी दिया हुआ आपका 0.87, ठीक है, FY अपॉन ES प्लस 0.002, और ऑप्शन डी दिया है आपका 0.0035, ठीक है। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन कहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रबलित कंक्रीट के सीमा अवस्था विकल्पन में, ठीक है, प्रबलित कंक्रीट के सीमा अवस्था विकल्पन में तनाव प्रबलन में विकृति निम्नलिखित से अधिक नहीं होनी चाहिए। किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो आपको पता होगा भैया, एक कंडीशन हमने आपको बताया था फिगर, जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना रहा था वहाँ पर आपको बताया था कि ये जो कंडीशन है इससे, ठीक है। चलिए इसको भी साथ में लेते हैं, इससे कम नहीं चाहिए, क्लियर है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, लोग आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन आपका, इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स कोलैप्स फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन, फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन कंप्रेशन, ठीक है, द मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव, द मैक्सिमम स्मॉल एक्सियल कंप्रेसिव एक्सियल कंप्रेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इज, स्ट्रेन इन कंक्रीट कंक्रीट इज, ठीक है, कंक्रीट इज मतलब सीधे संपीड़न के लिए निपात की जो सीमा अवस्था में जो कंक्रीट में अधिकतम अच्छी संपीड़न होती है विकृति कितनी होती है, ठीक है, कितनी होती है। तो एक बार क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, इन लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन द मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इज, ओके। मैं इसका ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है, जो बच्चा ध्यान से पढ़ा होगा वही बता पाएगा, ठीक है, जो बच्चा ध्यान से पढ़ा होगा वही बच्चा बता पाएगा इसको, जो थ्योरी अच्छे से कवर किया होगा वही बच्चा इसको क्वेश्चन को बता पाएगा, ठीक है। चलो ऑप्शन मैं देता हूँ, ऑप्शन देता हूँ मैं, ऑप्शन है पहला आपका दिया हुआ है 0.003, ऑप्शन सेकंड है 0.002, ऑप्शन थ्री है आपका 0.0035, ठीक है, क्लियर। ऑप्शन फोर है आपका 0.006, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। अब बहुत ही यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि वैल्यू ये होगा कि ये होगा, ठीक है। तो इसके पहले हमने जब देखा था तो कंडीशन दूसरा था वहाँ,
ठीक है, वहाँ पे कंडीशन आपका दूसरा था, लेकिन यहाँ पे आपका बोला है डायरेक्ट कंप्रेसर कंप्रेशन द मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसेशन बोला है, तो जब एक्सियल बोल दिया है तो उस केस में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 0.002, 0.002 आपका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। चलिए द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर अ बीम, चलिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन है आपका, ठीक है। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द मैक्सिमम डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस फॉर द एक्सिस फॉर द, ठीक है, फॉर अ न्यूट्रल एक्सिस फॉर अ बीम विथ बीम विथ एफ ए 415 बार्स इन लिमिट स्टेट मेथड एल एस एम सम ऑफ डिजाइन इज ऑफ डिजाइन इज, ठीक है। चलो द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर अ बीम विथ ग्रेड डिपेंड करता है यहाँ पे, देखो तो ग्रेड बाय डिप आपका जो वैल्यू है चेंज होता रहेगा, ठीक है, ग्रेड बाय वैल्यू जो होती है वो चेंज होती जाएगी। तो चूंकि ये पूछा है कितना भैया, कितना पूछा है एफ ई 415 के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, यानी इसको हिंदी में एक बार देख लो कि सीमा स्थिति अविकल्पन विधि में एफ ई 415 छोरों से प्रबलित एक धन के उदासीन अक्ष की अधिकतम गहराई है, ठीक है, अधिकतम गहराई है, ठीक है, अधिकतम गहराई है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए नहीं दिया हुआ है 0.46 t, ऑप्शन बी दिया हुआ है 0.48 d, ऑप्शन सी दिया हुआ है 0.50 t, और ऑप्शन डी दिया हुआ आपका 0.53 t, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर 415 की जब बात करेगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, 0.48 t, ठीक है। अगर ये आपका 250 के लिए बात करता है तो अधिकतम करें 0.53 हो जाता, ओके, अगर ये आपका 500 ग्रेड हो जाता 0.46 हो जाता, क्लियर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्लियर है। तो आपको ये वैल्यू यहाँ से आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है, वही 250 के लिए पूछता तो आपका करेक्ट आंसर आपका 0.053 हो जाता, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। चलो चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हाँ, व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट व्हाट इज द
लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ठीक है फॉर फॉर या फिर 415 स्टील इन लिमिट स्टेट व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ठीक है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर ग्रेड यहाँ पे फिर देखो ध्यान से Fe 415 यूज किया है तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या बनता है ठीक है उस केस में फॉर्मूला आपका क्या बनता है तो आपका यहाँ पे मैं ऑप्शन दे रहा हूँ मतलब जो बच्चा प्रैक्टिस किया होगा वो आप इसी बातें बता ले जाएगा जो प्रैक्टिस नहीं किया होगा वो अभी इसी बातें नहीं बता पाएगा ठीक है चलो ऑप्शन दे रहा हूँ मैं ऑप्शन ए है 0.149 BD² FCK ठीक है दूसरा ऑप्शन है 0.138 BD² FCK ठीक है तीसरा ऑप्शन है आपका 0.133 BD² FCK और चौथा ऑप्शन है कि 0.15153 BD² FCK चलिए बताइए भाई ऑप्शन बहुत आसान सा है और जबकि जब 415 ग्रेड की जब बात होती है तो आपको पता है कि 0.138 ठीक है ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है ठीक है क्लियर 0.13 चलो इसी प्रकार आप अलग अलग ग्रेड के लिए भी आप लोग डिजाइन का फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो मॉडल ठीक है क्लियर चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द क्रीप कोफिशिएंट फॉर द क्रीप कोफिशिएंट फॉर 7 days इन लॉस due to pre-stress ठीक है pre-stress distress ठीक है यानी कि पूर्व प्रतिबल ठीक है के कारण 7 दिनों के 6 हेतु विश्लेषण पूर्णांक कितना होता है ठीक है तो आपको मैं बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन दिया हुआ है आपका ध्यान से देखिएगा ऑप्शन ए दिया 1.6 दूसरा दिया ऑप्शन 2.2 तीसरा दिया ऑप्शन 1.1 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 1.8 इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2.2 ठीक है और जो करेक्ट आंसर होगा 2.2 ठीक है आगे क्लियर
चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेट इफेक्ट द नेट इफेक्ट इफेक्ट ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग इन प्री स्ट्रेसिंग इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट प्री स्ट्रेस कंक्रीट कंक्रीट बीम इज यूजली बीम इज यूजली ठीक है, मतलब पूर्व प्रतिबल रूबी में पूर्व प्रतिबल के कारण शुद्ध प्रभाव सामान्यतः होता है, ठीक है, सामान्यतः होता है। ऑप्शन में दे रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, टेंशन तनाव, दूसरा कंप्रेशन कंप्रेशन, तीसरा शियर, और चौथा जो है आपका बेंडिंग एंड कंप्रेशन। बेंडिंग एंड कंप्रेशन से करेक्ट आंसर यहाँ पे बेंडिंग एंड कंप्रेशन बोथ होगा, ठीक है, क्लियर, चलो। चलिए प्री स्ट्रेस का ही एक ग्रेड का एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ठीक है। द सिस्टम इन विच सिस्टम इन विच हाई टेंसाइल लॉ हाई टेंसाइल एलो एलो है स्टील बार्स बार्स ठीक है आर यूज्ड एज आर यूज्ड एज प्री स्ट्रेसिंग टेंडेंस प्री स्ट्रेसिंग टेंडेंस टेंडेंस इज नोन एज इज नोन एस ठीक है। द सिस्टम यहाँ से मैं इसको कलर चेंज कर लेगा, द सिस्टम इन विच हाई टेंसाइल एलॉय स्टील बार्स आर यूज एज प्री स्ट्रेसिंग टेंडेंस इज नोन एस ठीक है। यहाँ पे आपको चार सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से आपको करेक्ट आंसर पता करना है, ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ए है फ्रेसिनेट फ्रेसियन सिस्टम, फ्रेसियंट सिस्टम सिस्टम बी ऑप्शन जो दिया है वो आपका मैगलन ग्लैटन सिस्टम, मैग्नेट ग्लैटन ग्लैटन सिस्टम सीसीएल स्टैंडर्ड सिस्टम सीसीएल स्टैंडर्ड सिस्टम और ऑप्शन डी आपका लीमी लिमिकल सिस्टम।
ली मिकाल सिस्टम, ली मिकाल मिकाल सिस्टम, ठीक है सिस्टम। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह प्रणाली, ठीक है वह प्रणाली जिसमें उच्च तन्य मिश्र धातु इस्पात छड़ का प्रयोग दबावपूर्व सिरों में किया या कहलाता है, ठीक है सिरों में कहलाता है। तो आपका होता है आपका टेंडेंस ली निकाल सिस्टम। इस आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये सब ऑप्शन को आप भेज चुकेगा, ठीक है क्लियर, चलो सही है, चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पाइल्स आर कास्ट, विच पाइल्स आर कास्ट बिफोर हैंड बिफोर हैंड आउटसाइड द साइट आउट साइड द साइट टू द रिक्वायर्ड साइज एंड लेंथ साइज यानी कि किन पाइलों को, ठीक है किन पाइल को पहले से ही साइट के बाहर आवश्यक आकार और लंबाई के अनुसार ही ढाले जाते हैं। ठीक है ऑप्शन दिया हुआ है आपका, यहाँ पे मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए है आपका एंड बेयरिंग पाइल्स, अंतिम बेयरिंग पाइल जिसको बोलते हैं एंड बेयरिंग पाइल्स, पाइल्स बी आपका है प्रीकास्ट पाइल, प्रीकास्ट पाइल, सी फ्रिक्शन पाइल्स, पाइल्स एंड डी आपका अंडर लिव्ड पाइल्स, अंडर लिव्ड पाइल्स। यहाँ पे जो आपका बिन किन पाइल को पहले से ही साइड के बाहर आवश्यक आकार और लंबाई के अनुसार ही ढाले जा सकते हैं उनमें से आपका जो होता है, ठीक है जो उसमें करेक्ट आंसर होगा आपका प्रीकास्ट पाइल्स, ठीक है प्रीकास्ट पाइल्स क्लियर, ओके चलिए। तो गाइस आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है क्वेश्चन जितने भी हैं उसको प्रैक्टिस करने का प्रयास करिएगा, ठीक है और हो सके तो आप अपने जो भी, ठीक है जो भी आपके टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है ये आपको लिख कर पढ़ना है, नोट्स बना कर पढ़ना है, उसको कैसे पढ़ना है आपको डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो आप करना क्या है कि जितना अभी तक ने वो वीडियो देखे हो उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है और रिवीजन करते जाइए, ठीक है और ये बहुत ज़रूरी है क्लियर। तो कहीं ना कहीं आपको ये फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो क्वेश्चन कर ले जाओगे, अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है
कर रहे होंगे, ठीक है, इसलिए वीडियो में करते हैं, फिर कंटिन्यू हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच।